नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने लेकर आया हूँ बोया का माइक जो कि BY-M1 मॉडल है। इस माइक के बारे में हम देखने वाले हैं। ये लेवलियर माइक्रोफोन है जो कि मेड इन चाइना एक बोया कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया। तो देखने में कुछ इस तरह से माइक आपको दिखने वाला है। हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके पहले देख लेते हैं इसके ऊपर दिए गए कुछ फीचर्स के बारे में, क्योंकि तो कंपनी कहती है कि ये स्मार्टफोन कैमकॉर्डर्स, DSLR, ऑडियो रिकॉर्डर, PC एक्सेट्रा, यानी हर एक चीज़ में आपके जो रिकॉर्डिंग पर्पस वाले चीज़ें हैं सब में आ जाएगा BY-M1। तो इस तरह से इसका लोगो है बोया प्रो ऑडियो सीरीज। तो इसके फीचर्स देख लेते हैं। क्लिप ऑन माइक फॉर द स्मार्टफोन, DSLR, कैमकॉर्डर्स, ऑडियो रिकॉर्डर, PC एक्सेट्रा। तो ये सारी क्लिप्स मिल जाएंगी माइक के ऊपर। इसके अंदर आपको मिल जाएगा लेपल क्लिप, एक बैटरी मिल जाएगी, फोम विंडस्क्रीन मिल जाएगी और 1.4 इंच का एडाप्टर मिल जाएगा। ओमनी डायरेक्शन कंडीशन यानी सभी डायरेक्शन से साउंड कैप्चर करने वाला है ये। तो इस तरह से फ़ोन के बारे में दिखाया गया है, इस माइक्रोफोन के बारे में, मेड इन चाइना। तो बाकी कुछ इसके ऊपर जानकारी नहीं है, चलिए हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। सब्सक्राइब करिए भैजी टेक्निकल को ऐसे क्लिक करके और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर सकें। तो हमारा जो फ़ोन माइक्रोफोन है वो अनबॉक्स हो गया है। तो सबसे पहले देखेंगे हम इसके अंदर क्या मिलता है। तो हम ये इसको निकाल लेते हैं। ये देखेंगे आप, पाउच देख सकते हैं बोया की तरफ से। पाउच के बाद में देखेंगे कि हमको बॉक्सिंग करने के बाद हमको ये नोटिस मिला है। यहाँ पे कुछ नोटिस दिखाया गया है कंपनी ने, और कैमरा सेंस स्मार्टफोन हाउ टू यूज इस तरह से यहाँ पे दिखाई है। हमको ज़रूरत पड़ेगी इसको हम साइड में रख देते हैं। और बोया की तरफ से जो मैनुअल है उसके बारे में गाइडेंस वगैरह दिया है, इसके भी हम यूज़ करेंगे अगर हमको कहीं ज़रूरत लगी तो। अब आते हैं ये पाउच की तरफ से। पाउच बहुत ही बढ़िया देख सकते हैं आप, पैकिंग पर्पस के हिसाब से आता है। दोनों साइड स्लाइड करेंगे ये पैक हो जाएगा। मुझे तो पाउच काफ़ी अच्छा लगा ताकि सेफ्टी रहे। और इसका जो ईयरफोन, इसका जो माइक का जो ये वायर है इसको कहा गया है काफ़ी बड़ा है, तकरीबन 6 मीटर तक जाता है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी है। आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या मिला है। आपको एक बैटरी मिल गई है इंक्लूडेड, आपको बैटरी कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं है, जो कि आपको इसके अंदर लगानी पड़ेगी। इसके अंदर ये खुलता है यहाँ से, इसको हम खोलेंगे और लगाएंगे। और ये क्लिप देख सकते हैं आप अटैच करने के लिए। ये आपका मेन माइक्रोफोन है। इसके ऊपर आपको एक जो बर्ड्स मिलते हैं कापूस वाला, वो भी इसके अंदर हाँ ये दिया हुआ है। तो आप इसको लगा सकते हैं। तो जो पाउच है इसको भी हम खोल लेते हैं। इसके अंदर क्या क्या मिलेगा आपको ये देख सकते हैं। ये माइक को कवर करने के लिए आप इसके ऊपर लगा देंगे, माइक को कवर कर लेगा ये। आपके माइक वगैरह जो साउंड रिकॉर्डर डिवाइसेस होते हैं या वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि इसका जो 3.5 mm का जैक है उसको निकाल करके ये इसमें आप अटैच कर सकते हैं। इसमें आप अटैच कर देंगे, ये अटैच हो जाएगा। तो आप बड़े से बड़े डिवाइसेस में इसको लगा सकते हैं। और ये बैटरी तो आपको बता दी, और ये क्लिप मिली है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत बढ़िया तरह से। बहुत ही ज़ोरदार क्लिप है, बहुत ही टाइट है, उसे तो अभी ओपन भी नहीं हो रहा है ये। तो इस तरह से थोड़ा सा चिपका हुआ था, तो ये जो है अब ओपन हो रही है। यहाँ पे वायर फंसाएंगे, माइक फंसाएंगे, और सिलिका जल इसको अब यूज़ नहीं करना है, इसको थ्रो कर देना ताकि मॉइस्चर वगैरह एब्जॉर्ब कर सके। तो ये सारी चीज़ आपको बॉक्स के अंदर मिलती है। 1, 2, 3, 4, 5 पांच चीज़ों के लिए। और इसकी कीमत आपको मैं फ्लिपकार्ट पर डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा यदि आप इसको बाय करना चाहें तो। हम थोड़ी देर में इसकी टेस्टिंग करते हैं और आपको बताते हैं कैसे है ये। तो दोस्तों, मैंने कैमरे से अपने इस माइक को कनेक्ट कर लिया है। अब जो भी आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ये इस माइक से है, बोया के माइक से है। तो आपको करना क्या है, जब भी आप इसको अपने लैपटॉप से कनेक्ट करें तो ऊपर, या कैमरे से कनेक्ट करें तो यहाँ पे देखिए टॉगल दिया गया है। इसको टॉगल को ऊपर की तरफ आप खींच देंगे तो कैमरा और लैपटॉप से कनेक्ट हो जाएगा। और ये जो नीचे की तरफ खींचा है ऑफ या स्लैश स्मार्टफोन, तो मैंने अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट कर लिया है और ये आवाज़ सुन रहे हैं आप बोया से डायरेक्टली। अब जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो मेरे माइक्रोफोन, मेरे मोबाइल के माइक्रोफोन से है, यानी बोया का जो माइक है मैंने देखिए डिसकनेक्ट कर दिया है। तो इस तरह से इसकी आवाज़ में आप डिफरेंस देख सकते हैं, क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। तो दोस्तों, माइक जो है इस समय कनेक्ट हो चुका है मेरे लैपटॉप से। आप देख सकते हैं
ये मैं लैपटॉप में कनेक्ट कर दिया हूँ। आपको कौन से छोर पे लगाना वो दिखा दो आपको। एक होता है जो होता है छोर, जिसमें कि आप गाना सुन सकते हो, उसमें नहीं सुनाना है। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पे स्पीकर बना हुआ है, उसमें सुनाना, उसमें लगाना है। आप देख सकते हैं जो कि रेड कलर का आता है, हरे कलर वाले में नहीं लगाना है। और ये इसको जब आप लैपटॉप में या कैमरे में लगाएंगे तो ये जो आपको दिखाया हूँ मैं, दो ऑप्शन जो आपको यहाँ मिलते हैं, कैमरा और ऑफ स्मार्टफोन, तो आपको जो है कैमरे पे ले जाना। ये मैंने अब इसको क्लिप को ऊपर कर दिया हूँ। अब देख सकें यहाँ पे ग्रीन ग्रीन भी आ गया है। तो अब ये कनेक्ट हो चुका है मेरे लैपटॉप से। अब अगली वीडियो जो है मैं आपको लैपटॉप से दिखाऊंगा। लैपटॉप में आपको टेस्ट करना है तो आपको जाना कहाँ है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। इस समय मैंने लैपटॉप से कनेक्ट कर लिया है बोया लेवलियर माइक, और जो भी आप आवाज़ सुन रहे हैं वो बोया से ही सुन रहे हैं। तो मैं इसको लैपटॉप में किस तरह से डिफरेंस है बताऊँगा। तो आपको जाना है स्टार्ट में, और सबसे पहले सेटअप कर लेते हैं। कंट्रोल पैनल में जाना है, स्टार्ट से कंट्रोल पैनल में, और वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको हार्डवेयर एंड साउंड्स मिला। उस पर क्लिक करने के बाद आप जाएंगे तो साउंड का एक स्पेशल ऑप्शन मिलेगा, यहाँ जाना है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपको रिकॉर्डिंग मिल रही है। तो रिकॉर्डिंग में आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि रिकॉर्डिंग कहाँ से हो रही है। तो ये देखिए इस समय मेरे दोनों ही माइक कनेक्टेड हैं। एक लैपटॉप का इंटीग्रल माइक्रो ईयरफोन जो दिखा रहा है वहाँ वो भी कैप्चर कर रहा है, और बोया से भी कर रहा है। तो ये जो रिकॉर्डिंग इस समय आप सुन रहे हैं बोया से माइक के थ्रू है। यहाँ पर जाके आप इसके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे क्लिक करके, तो आप इसको सेटअप कर सकते हैं, नेमिंग वगैरह और क्या क्या लेवल्स एडवांसेस वगैरह जो भी है आप इसको सेटअप कर सकते हैं। तो इस समय आप आवाज़ सुन रहे हैं मेरा बोया लेवलियर माइक से। अब मैं आपको जो आवाज़ जो है दूसरे से सुनाऊंगा आपके मेरे लैपटॉप के इंटीग्रेटेड फ़ोन से। तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और फिर से आपको ओपन करके दिखाऊंगा। तो इस समय जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो मेरे लैपटॉप के इंटीग्रल माइक्रोफोन से है, जो कि डिफरेंस आपको पता लग गया होगा इसकी आवाज़ में क्या डिफरेंस है, उसकी आवाज़ में क्या डिफरेंस। तो प्रूफ के तौर पे मैं आपको दिखा देना चाहूँगा कि कहाँ से इस समय रिकॉर्डिंग हो रही है। तो आप देख सकते हैं मेरा बोया माइक डिसकनेक्टेड है, और इंटीग्रेट माइक्रोफोन है जो है मेरा HP लैपटॉप है उसका डिफ़ॉल्ट माइक्रोफोन किस तरह से आवाज़ कैप्चर करता है। तो ये एक डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। तो देख सकते हैं आप क्या डिफरेंसेस होते हैं हाई क्वालिटी माइक्रोफोन के और एक नॉर्मल माइक्रोफोन के। तो आपको डिफरेंसेस पता लग गया होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज से रिलेटेड कोई भी क्यूरीज है तो मुझे पूछ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ लिंक, आप वहाँ से इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। हमारे चैनल को थोड़ी सी मदद हो जाएगी। भैजी टेक्निकल देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।